करने के लिए आए हैं, लेकिन याद रखिएगा आपको एक ऐसा चेहरा मिला है, एक ऐसा ब्रांड मिला है जिसकी तुलना किसी नेता से नहीं की जा सकती है। कल्पना करिए कि यहाँ काराकाट में मौजूद, इस गुलारी बाजार पैनान में मौजूद हमारे नौजवान बड़े बोले के यहाँ घूम रहे हैं और सवाल करिएगा उन नेताओं से आपके बीच में आएंगे, पूछिएगा क्या क्या वादा करके आपके बीच में गए थे ये लोग, पूछिएगा उनसे, सवाल करिएगा उनसे। और मैं तो कहता हूँ मित्रों, पवन सिंह के बारे में आरोप प्रत्यारोप लगाने वालों बेईमानों से सवाल करना चाहते हैं, कहते हो पवन सिंह तो नचनिया है, पवन सिंह तो गवैया है, पवन सिंह तो नाचता है, लेकिन उसका वो प्रोफेशन है, उसका वो प्रोफेशन है, वो नाचने गाने से लेकर पूरी दुनिया में बिहार का नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में पवन सिंह को सब लोग जानते हैं, पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि उसी कलाकारी और सिंगाई की वजह से आज पवन सिंह का नाम पूरी दुनिया में जाना है। अपने बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथियों से जब वो बेईमान नेता आपके बीच में आए, आपसे सवाल करें तो पूछना, पवन सिंह तो नचनिया और गवैया है, लेकिन तेरे चाचा तेरे नेता का क्या औकात है बता। 5 साल पहले कभी आरजेडी का झंडा, कभी बीजेपी का झंडा, कभी कांग्रेस का झंडा, कभी जेडीयू का झंडा, हमारा कलाकार तो रियल कलाकार है, तुमसे बड़ा बड़ा नौकर की बात नचनिया कौन है जो आए दिन पार्टी और दल बदलता है। मित्रों सवाल करना, लड़ाई है, एक तरफ एक माँ का बेटा अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर के आया है, कहा है काराकाट के लोगों को आज से भाई बनाता हूँ, अपनी माताओं बहनों को प्यार देने आया हूँ, उसकी माँ ने कहा है कि जाओ और काराकाट के लोगों का सेवा करो, मुझे पूरा विश्वास है वहाँ के नौजवान साथी तुमको भाई जैसा प्यार देंगे, गार्जियन तुमको बड़े भाई जैसा प्यार देंगे, वहाँ के लोग तुमको प्यार दुलार देंगे, आशीर्वाद देंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद जो प्यार और आशीर्वाद आप लोगों ने दिया है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। आपने जो प्यार दिया आदरणीय पवन सिंह को, विरोधियों का छाती फटा हुआ है, जो सोच रहे हैं कि आखिर ये पवन का झोंका आया और एक बैग काराकाट में आकर के 15 साल से लूट रहे बेईमानों को, कुर्सी के लिए राजनीति करने वाले नेताओं को उखाड़ उखाड़ फेंकने का काम किया है। एक बात जरूर याद रखिएगा, आप लोगों के हाथों में बहुत बड़ी बागडोर है। जरा कल्पना करिए कि जब सदन में 8 तारीख को बटन दबा करके कैंची चुनाव जीत पर आदरणीय पवन सिंह को चुनाव जिताते हैं, तो जरा सोचिएगा जब आपका सांसद जीत करके सदन में जाएगा और सदन में जब शपथ ग्रहण करने का नंबर आएगा तो 543 लोग मुड़ करके देखेंगे ये कौन काराकाट की महान जनता है जिसने एक नौजवान को निर्दल लोकसभा चुनाव में जिता करके सदन में भेजने का काम किया है। आपके नाम पर जय जयकार होगी, तालियां बजेंगी, लोग कहेंगे कि तुमने एक नेता नहीं एक बेटा को चुनाव जिता करके भेजा है। मैं काराकाट की महान जनता से निवेदन करने आया हूँ, आग्रह करने आया हूँ, बचा लीजिए, 15 साल से इन बेईमानों ने इस काराकाट को लूटा है, फैक्ट्री लूट लिया, चट्टी चौराहा लूट लिया, आपका बेरोजगारी लूट लिया, सब लोगों ने बेईमानों ने 15 साल में आपको हमको लूटने का काम किया है। आप चले जाइए डेहरी में, डेहरी की स्थिति देख लीजिए, डालमिया फैक्ट्री बंद हो गई, पानीपुर का भ्रष्टाचार देख लीजिए, सड़कों का जो जाल बिछाने की बात ये करते हैं बेईमान। हम लोग प्रत्येक दिन शहरों में गाँव में घूमते हैं, कहीं कनेक्टिविटी नहीं है। आज भी मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, मैं सुंदरगंज के गांव में गया था, वहां गरीब तबके के लोग थे, मैंने देखा कि नाली में से पानी उठा करके पीते थे। बारे बेईमान नेताओं 75 साल आजादी के हो गए और आज भी हमारे जैसे आप जैसे गरीब का बेटा नलके से पानी पीना उसको नसीब नहीं है, पंडोहे का पानी भरा करके पीता है। आदरणीय पवन जी के सौजन्य से आचार संहिता लगा हुआ है, पवन जी से हमने कहा कि इस समय में कोई काम नहीं कर सकता हूँ, मजबूर हूँ, मेरा हाथ मजबूर है। वहाँ का एक समाज सेवी खड़ा हुआ और कहा आदरणीय पवन जी आपकी सोच को सलाम करता हूँ, 2 हैंडपंप ले करके वहाँ करवाने का काम किया आदरणीय पवन जी ने। मैं आपको बताना चाहता हूँ पवन जी का विजन है, पवन जी संकल्प लेके आए हैं, या रोड का संकल्प हो, नौजवानों की रोजगार की बात हो, या फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, मैं कहने आया हूँ पवन सिंह जैसा चेहरा जब काराकाट में आकर के और फिल्म इंडस्ट्री की बात करता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में यह भी होगा कि मैं काम करूंगा और 5 साल में मेरी फिल्म सिटी बनाकर यहाँ के लोगों को दूंगा ताकि मैं हमारे नौजवान भाइयों को रोजगार मिले। मैं सिर्फ एक निवेदन कहूंगा, अपनी बात समाप्त करूंगा, फिर से आपसे चर्चा होगी, आगे लोग पहुंच जाएंगे, सिर्फ एक निवेदन करने आया हूँ मेरे भाइयों, पवन जी के पास आपकी ताकत और प्यार के आशीर्वाद के सिवा कुछ नहीं है। मेरे भाइयों नौजवान साथियों याद करना उस बेईमान की बात को, और एक टाइम को जब बटन दबाने जाना तो कहना ये सारे लफुआ पवन में हो गए हैं, जिताना कैची था बटन दबा करके, और बेईमान को जवाब देना, और
हमारे कलाकार के नौजवानों से अपील है कि जब उनका नेता आए तो सवाल करना उनसे कि बताओ अगली बार कौन से दल में जाने वाले हो, चुनाव हारेगा या जीतेगा, चुनाव छोड़ करके भाग जाएगा। और एक दूसरा दल भी यहाँ चुनाव लड़ रहा है जिसके सिद्धांत और राजनीति के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, उसकी विचारधारा बताने की जरूरत नहीं है। मित्रों, 75 साल आजादी के बाद और 2008 के 9 के प्रसिमन के बाद ये चौथा चुनाव होने जा रहा है और अब मतदान करने जा रहा है। फैसला आपको करना है कि एक नौजवान जो इतना बड़ा चेहरा लेकर के जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और मुल्क के सबसे बड़े पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम लगा है। मैंने लोकतंत्र में कभी किसी लोकसभा चुनाव में इतनी बड़ी शक्ति नहीं देखी थी। सोचिए आपके नेता में कितनी बड़ी ताकत है कि सारे लोग लेकिन नेता आपका झुकने वाला नहीं है। हमारी माँ बहनों का प्यार है, नौजवानों का साथ है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। आपका नेता कोई माई का लाल आपके नेता को हरा नहीं सकता है। मैं बताने जा रहा हूँ, आप नेट करके रख लीजिएगा, मीडिया के भाई भी हमारी बात सुन रहे हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं कौन सिंह के लिए वोट मांगने आया हूं। कहीं ना कहीं हम लोग भी राजनीतिक दल से जुड़े हैं, लेकिन सब राजनीतिक दल एक तरफ, लेकिन एक अभिमन्यु को मारने के लिए ये जो सेना तैयार हो रही है, इस बार अभिमन्यु मरेगा नहीं, सदन में जीत करके जाएगा। सिर्फ एक निवेदन और आग्रह करूंगा, अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार हमारे दावा जहां तक जा रही है, आगे पीछे जो हमारे नौजवान भाई है, जरा दोनों हाथ तसल्ली से उठा दीजिए, दोनों हाथ उठाइए, भगवान की कसम, भगवान सूर्य की कसम खाइए, आदरणीय पवन जी को एक तारीख को कैंची के बटन दबा दीजिए, भरोसा दिला दीजिए। आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इस आशा और विश्वास के साथ 1 तारीख को कैंची चुनाव चिन्ह पर बटन दबेगा और 4 तारीख को काराकाट के इतिहास में पवन सिंह का नाम दर्ज हो जाएगा, सदन में पवन सिंह का जयकार होगा और देश के सारे नेताओं की नजर पवन सिंह पर होगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मंच पर बैठे हमारे जितने गार्जियन स्वरूप लोग बैठे हैं, मैं निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, आप लोग अपने तरीके से इस मंच को चलाइए। मंच में हमारे जो लोग प्रमुख लोग बैठे हैं, जो हमारे मुखिया लोग बैठे हैं, आइए अपने विचार को रखिए। इतने सम्मेलन के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।